और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भुल्लर की फांसी का विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया गया है और ये विरोध इस बिना पर किया गया है, मानसिक रूप से कमजोर बताया गया है और ये दिल्ली सरकार की तरफ से भुल्लर की फांसी के विरोध में अब दिल्ली सरकार है तो इसे क्या समझा जाए। लेकिन जो तर्क दिया गया है वो तर्क ये है कि मानसिक रोगी है भुल्लर और इस वजह से उसे फांसी न दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने यह हलफनामा दिया है कि मानसिक रूप से बीमार है भुल्लर और इसलिए उसकी फांसी को टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भुल्लर पर लागू हो, यह इस तरह की बात यहां पर आ रही है। तो ये एक इस वक्त की बड़ी खबर भुल्लर को लेकर आ रही है। फांसी पर अब आगे क्या फैसला होता है ये देखना होगा। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि फांसी पर इस वक्त उसे टाला जाना चाहिए और मानसिक स्थिति को देखकर यह फांसी टाली जानी चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को वैसे भी फांसी नहीं दी जा सकती। खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा पर यह दिल्ली सरकार का हलफनामा है।